हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो? मैंने ड्यूटी आज ख़त्म कर दी है और मैं थोड़े पैसे निकालने जा रहा हूँ। मैं आज से शुक्रवार रात को थोड़े से पैसे निकालूंगा एटीएम से, उसके बाद मैं निकाल के अपनी जेब में रख के उसके बाद मैं जाऊँगा। सैलरी जो मेरी आई है, सैलरी तो 5 तारीख को ही आ गई थी, लेकिन मैं डिपॉज़िट मेरी सैलरी आती है बैंक में, सो जो मेरी बैंक है यहीं पास में शॉपिंग सेंटर के अंदर ही, वहीं जा रहा हूँ पैसे निकाल के। कल सुबह जाएंगे जहाँ सेंड करते हैं, जो सा प्लेस है, कल सुबह मैं वीडियो बना भी दूंगा, उसकी पता भी लग जाएगा क्या रेट चल रहा है। यही है एक काम, विदेश में काम करने का फ़ायदा कि पूरे महीने मेहनत करो, कुछ पैसा मिलता है, उसको अपनी फैमिली में सेंड करो, बहुत खुशी मिलती है। तो मिलते हैं एटीएम के पास, पैसे निकालते हैं। ये है इस शॉपिंग सेंटर का नक्शा, और जो मैं बता रहा था, एक्चुअली तो मेरी जो बैंक है वो ये नहीं है, इधर भी एटीएम है इसी शॉपिंग सेंटर में एनटीयूसी के पास, बट यहाँ नहीं है। मैं बताता हूँ, मेरी बैंक का एटीएम के सेंटर नहीं है, मेरा एटीएम उधर से, मेरा कॉफी शॉप नज़र आ जाता है, वो दिख रहा होगा इधर को है, इधर भी एक छोटी सी शॉप है, तो बंद हो गया, रात के बज रहे 11:30, तो बस आने वाला है। एक तरफ है बेकरी, इधर भी फॉरेनर्स होते हैं, इसमें है ना 4 है, ये इलेक्ट्रिकल की शॉप है, इधर सब्वे भी है, एक छोटा कॉफी हाउस भी है, दिखा देता से। ये रहा मेरा एटीएम। यार बहुत मेहनत करनी पड़ती है सिंगापुर में काम के लिए, कि उसका रिजल्ट भी आता है। कल करेंगे पैसे जमा, हमारी मम्मी भी खुश हो जाएगी, फैमिली भी खुश हो जाएगी, क्योंकि जब काम करोगे तो फल तो निकलना चाहिए ना यार। देखो यार आ गया पैसा, यार आ गया एटीएम, ये हमारे पैसे भेजेंगे कल, और हमारी आ गई रिसीप्ट। सो कल मिलते हैं। आया तो पैसे जो है वो निकाल ही लिए एटीएम से, रात हो रही है तो अब जाएंगे सुबह, और कितने पैसे भेजने हैं भाई, तो मैं करीब करीब मेरे हिसाब से 1 लाख के आसपास मैंने कलेक्ट करे, किस कलेक्ट का मैंने निकाले हैं, तो ये है वो मेरे पैसे, थोड़े मैंने पैसे इधर भी रख रखे थे अपनी सेविंग से कुछ। ऑलरेडी मैं वहाँ पर आ चुका हूँ जहाँ पर मुझे पैसे भेजने हैं, कहाँ से भेजने हैं, तो ये है पुणे शॉपिंग सेंटर, थोड़ा सा मैं दिखा भी देता हूँ आपको, दिख रहा होगा। इसी में है वो दुकान, बस आने ही वाले हैं, आपको दिखा दूंगा उस दुकान का थोड़ा सा एड्रेस। $55 है, आप इधर देख सकते हैं $55 है, सो मैंने इतने भेजे हैं। और सबसे अच्छी बात है आज उन्होंने मुझे एक कार्ड दिया है, ये मेरा दूसरी बार इन्विटेशन है, तो उन्होंने मुझे कार्ड दिया कि नेक्स्ट टाइम आने ये मुझे ऐसा फिल फॉर्म नहीं करना पड़ेगा, बस ये वाला कार्ड दिया है, तो मेरी इन्फॉर्मेशन के पास है, और जितना अमाउंट सेंड करना है बताना है और बस एक अच्छी बात है। तो और उसमें दिखाने के लिए एक मेरा जो परमिट कार्ड है, ये दोनों एक आइडेंटिटी की होती है, वो दिखाना पड़ता है। और बताना चाहता हूँ कि अगर आप मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो कौन कौन से तरीके और भी हैं। सो पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया, वेस्टर्न यूनियन है, ठीक है, और
अभी एक और रिया ट्रांजेक्शन का था, रिया ट्रांजेक्शन ये मेरा लिटिल इंडिया में, आप वहाँ भी जाके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जो मैं ओपिनियन, जो मेरे ऑप्शंस हैं, रेट अच्छे मिलते हैं इन सभी पर। और जो मेरा है एक आज जेसी ग्लोबल, ये बुनले पर ही है। तो मैं बताता हूँ ये तीन तरह तो मैं यूज़ करता हूँ, बैंक्स भी यूज़ करता हूँ, DBS बैंक है। तो ये चार तरीके हैं, सो आप भी कोई भी तरीका अपना सकते हैं, बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है। आई मीन विद इन 1 आवर आपको रिसीव हो जाएगा आपके घर में पैसा। सो कैसी लगी? ठीक है, सो ऑलरेडी मैंने अपना जो पैसों ट्रांसफ़र करने का काम है वो मैंने कर दिया है, आपको पूरा वीडियो में दिखा भी दिया है। तो यही एक एवरेज इंडियन की लाइफ है, जो मेरी लाइफ है उसी को मैं शेयर करता हूँ। कुछ लोग ज़्यादा भी कमा सकते हैं, लेकिन मेरी जो अर्निंग है कुल मिला के इतनी ही सेविंग्स होती है। सो मैं आपको इतना ही बताना चाह रहा था। और कैसे मैं ट्रांसफ़र करता हूँ मैंने आपको सब कुछ बता दिया अपने वीडियो में। ये शॉपिंग सेंटर क्या, मैं घर ही जा रहा हूँ, ये पीछे था उधर ही भेजे थे मैंने पैसे, तो अब घर जा रहा हूँ। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और शेयर कर दे करो, प्यार दिखाया करो यार इसी तरह से। सो बहुत खुश है, अब मैं काम पर जाऊँगा थोड़ी देर में, मेरी नाइट शिफ्ट है। और अगली वाली वीडियो में मैं आपको इतना बता दूँगा, अगली वाली वीडियो में मेरे को इतना बता दूँगा जो मैंने नाइट शिफ्ट में काम करता हूँ वो अभी क्या। और 21 के बाद लॉकडाउन ओपन अनलॉक हो चुका है, तो फिर उसमें बिजी होगा, अब वीडियो थोड़ी कम आना शुरू होंगी। सो थैंक्स फॉर लव, ऐसे ही प्यार दिखाते रहो अपने छोटे भाई को, अगर आप एक यूट्यूबर छोटा सा बन जाओ कभी कभी। सो इतना ही था भाई, और देख लो पीछे का सीन भी दिखा देते हैं कैसा है। ये बुनले प्लेस है, पहले यहाँ बैंक हुआ करती थी, वो बंद हो चुकी है, मीन शिफ्ट हो गई है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो गया है। मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ यहाँ पर क्योंकि मेरे घर के पास है, और थोड़ा सैर भी हो जाती है। बाइसिकल साइकिल से आया था तो 10-15 मिनट में काम हो गया, थोड़ा रिफ़्रेश भी हो गया। सो कैसी लगी मेरी वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।